Welcome. Thank you so much for sharing. Your permission. Colonel ISM Gulmarg, Colonel JS Dhillon sir, other dignitaries and dear trainees, good afternoon. My name is Rahul Udavant and I welcome you all to the graduation ceremony of the second batch of Trekking Guide Training Course conducted by the Indian Institute of Skiing and Mountaineering Gulmarg, a subordinate office of the Ministry of Tourism, Government of India, 30th August and was conducted under the dynamic leadership of Colonel JS Dhillon sir and of comforts of their home. And by distinguished instructors and Colonel J.S. Dhillon was earlier the principal of HMI Darjeeling Himalayan Mountaineering Institute, as you know, following which he was the उन्होंने जो भी किया हमारे साथ किया ऐसा नहीं किया कि बुला के किया और बाद में हमें बताया कि टीम कटना है सर चीफ प्लानिंग ऑफिसर सैयद आगा साहब ईडी टूरिज्म जनाब रसूल लाल साहब सीनियर टूरिस्ट ऑफिसर मोहम्मद अली साहब प्रेसिडेंट ऑल कारगिल ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन काचो सौकत साहब प्रेसिडेंट लद्दाख स्की एसोसिएशन अनफॉर्चुनेटली कोविड हैपेंड टू इयर्स वी वर टोटली एट इंस्टीट्यूट कंटिन्यू अनअफेक्टेड एंड आई एम श्योर दैट द हेल्प ऑफ ब्रांच ऑफिस एंड वर्क ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फुल फ्लेज इंस्टीट्यूट देयर आफ्टर आई हैव आल्सो गॉट टू स्की कोर्सेज सेंक्शन फॉर दिस विंटर एंड आई एम श्योर Administration will help me to conduct those courses also. It will be one of the best adventure destination of the not of the country but of the Asia in the coming days. Thank you sir, for coming and for encouraging the children to undertake such activities. Thank you so much. Tool है और मैं सर से कारगिल से हूँ और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कारगिल में BA फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ती हूँ आज मैं आप लोगों के सामने अपने 10 डेज के माउंटेन ट्रैकिंग के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ इस ट्रैकिंग कोर्स के बारे में सबसे पहले हमें कॉलेज पर कर्नल सर आकर बताया और हमारे कॉलेज में से हम 5 लड़के और 6 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था भारी सामान कहाँ पे रखना है और लाइट सामान कहाँ पे रखना है ट्रैकिंग के दौरान कैसे चलना है चलते वक्त हमारे हाथ फ्री होना चाहिए ताकि गलती से भी हम लोग कहीं पर गिर जाए तो हम किसी चीज़ को आसानी से पकड़ सकती है और ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स के बारे में पता चला ट्रैकिंग करते वक्त हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है नाउ और सर अगर इस कोर्स के 10 डेज के दौरान मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्लेमेटाइजेशन मैं तो सर जयपुर से आया था फ्लाइट से आए थे हम लोग डायरेक्टली सो इट वुड हैव कॉस्ट एक्यूट माउंटेन सिकनेस तो हम हर स्टेज पे एक्लेमेटाइज करते करते गए हमें सर ने सिखाया था कि 9000 फीट 12000 फीट एंड 15000 फीट पे हर स्टेप पे एक्लेमेटाइजेशन ज़रूरी होता है तो हम इस तरीके से एक्लेमेटाइज करते हुए गए और सर लद्दाख जैसे हमें पता है कि वी कॉल लद्दाख एज दी लैंड ऑफ हाई पासिस सो वी आर लकी कि हमें उस हाई पासिस में ट्रैक करने को मिला और सर मैं तो ये भी कह सकता हूँ आई बीइंग एन एस्पिरेंट कि हमें यूपीएससी का एक छोटा सा कोर्स कर लिया क्योंकि सर हमें काफ़ी सारी फैक्चुअल चीज़ें जानने मिली जैसे कि माउंट लून इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट पीक इन संस्कार रेंज ऑफ लद्दाख तो ये फैक्ट है हमारे लिए और सर जब हम ट्रैकिंग के लिए चढ़ रहे थे जैसे जैसे ऊपर हमें कर्नल सर हमारे इंस्ट्रक्टर सर ने काफ़ी कुछ चीज़ें बताया जैसे फ्लोरा एंड फौना एक लाचू करके पौधा होता है उसका स्टेम खाने से विटामिन की इंक्रीमेंट हो जाता है हमारे बॉडी में रियाज अहमद रोहन पासवान सईदा बानो हरगिज कपूर
रंजीत बानो, कनीष फातिमा, सईद शमसुद्दीन सर, को 8 बार के हमारे 12 लोकल आर्ट्सों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बिकॉज माउंटेनियरिंग आसान नहीं होता. माउंटेनियरिंग में आपको ग्रिट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, बॉडी को टेस्ट करना होता है, और यहाँ पे तो ज़्यादा अल्टीट्यूड पे जाना है आपको. तो आपने इसमें पार्टिसिपेट किया, बिकॉज जब कॉलेज में थे या फिर जब सब डिविजन में था मैं, तब हमारे पास टाइम होता था तो हम भी करते थे. ट्रेकिंग का बड़ा शौक था मुझे भी. पुणे से पढ़ाई की है तो आसपास के बड़े सारे हिल्स पे हमने ट्रेकिंग की है, और जब SDM था उस टाइम पे भी ट्रेकिंग करने जाते थे अलग अलग जगह पे. यहाँ पे मौका नहीं मिलता टाइम की कमी की वजह से, बट कोशिश करेंगे एक बार. डिलन साहब ने मुझे बोला था कि आप भी हमारे साथ चलो, बट ऑब्वियसली यहाँ तो आना नहीं होगा, 10 दिन हमें स्पेयर नहीं कर पाता हूँ. बट बीच में कभी कोशिश करेंगे कि बड़े सारे लोगों को साथ में लेके कहीं पे एक दिन का जो शॉर्ट ट्रैक होगा उसमें जाने की कोशिश करेंगे. जैसे जहरा ने और जोशी जी ने बताया कि ट्रेकिंग से और माउंटेनियरिंग कोर्स से बड़ी सारी चीज़ें सीखते हो. सबसे इम्पोर्टेंट तो टीम वर्क है, कि टीम के साथ मिलकर कैसे किसी चीज़ को अचीव करना है, वो बड़ा ज़रूरी होता है. स्पोर्टिंग इवेंट्स में सबसे ज़्यादा टीम वर्क का पता चलता है, और हम एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं. हेल्प करना दूसरे लोगों को, या फिर उसकी एबिलिटी में उसको आगे तक कैसे लेके जाना, उसको कैसे मोटिवेट करना, ये हम सीखते हैं. साथ ही में आपने बताया कि ज्योग्राफी, बायोडाइवर्सिटी, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, और साथ ही में इन्वायरमेंट के बारे में. बिकॉज लद्दाख के सारे लोग पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि जिस हिसाब से स्नोफॉल कम हो गया, जिस हिसाब से ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा आने वाले सालों में. तो यहाँ पे चाहिए कि हम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन कैसे करें, प्रिजर्व कैसे करें, जो चीज़ें हमारे पास अभी मौजूद है उन चीज़ों को कैसे बचाएं, उस पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बट साथ साथ उसके साथ में जो गंदगी फैलाने वाली चीज़ें, वो भी काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है. आप सारे जानते हैं हर जगह पर हमें कूड़ा दिखने को मिलता है, कचरा देखने को मिलता है. बट सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन चीज़ों को क्लीन करना या उठाना या चेक करना. जब तक कम्युनिटी साथ में आके पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जब तक वो बिहेवियर चेंज नहीं आएगा कि कूड़ा जो भी है डस्टबिन में डालना है, इधर उधर गंद नहीं फैलानी है, तब तक हम एक क्लीन लद्दाख, एक क्लीन कारगिल को अचीव नहीं कर पाएंगे. आपने कहा कर्नल ढिल्लों साहब ने बड़ा काम किया है यहाँ पे, स्पेशली जो ISM गुलमर्ग उसको रिवाइव करने के लिए, और कारगिल में भी उसको एक ब्रांच खोलने के लिए मिनिस्टर साहब ने 2020 में शायद अनाउंस किया था, और उसका अप्रूवल भी आया था लास्ट ईयर. बट 2 साल कोविड की वजह से उस पर कोई काम हो नहीं पाया है, बिकॉज यहाँ पे हमें एक ऑफिस स्पेस डेवलप करनी है उनके लिए, और एक रेजिडेंशियल स्पेस हो जाए कि यहाँ पे कुछ ट्रेनर्स आके रुक सके और यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दे सके. तो प्रोसेस में है हमारा, हम जल्दी से उसका अप्रूवल देंगे, उसका काम शुरू करेंगे, सो दैट यहाँ पे एक ब्रांच इस्टेब्लिश हो. बिकॉज मिनिस्ट्री का ऑलरेडी अप्रूवल है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को देना है यहाँ से. उसका काम हम जल्दी से शुरू करेंगे, सो दैट यहाँ पे स्पेस भी बने और लोगों को एक एडवेंचर टूरिज्म के बारे में, माउंटेनियरिंग हो, स्कीइंग हो, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो, और उनके अच्छे से ट्रेनिंग हो पाए. तो जल्दी से उस पर काम शुरू हो जाएगा हमारा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. सर सीज में नहीं था, मेरे नॉलेज में था कि इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने के लिए हमें स्पेस प्रोवाइड करनी है, रेजिडेंशियल और ऑफिस स्पेस. वो वाला मेरे नॉलेज में, वो हम उस पर काम कर रहे हैं. लैंड वाला मैं चेक कर लूँगा, और अगर लैंड अलॉटमेंट करनी है वो भी हम कर देंगे. तो फुटबॉल गेम कब तक दे रहे हैं, फुटबॉल गेम जो है यहाँ पे फिलहाल के लिए, तब तक फुटबॉल के लिए? हाँ, फुटहोल्ड के लिए मैं बोल रहा हूँ. फुटहोल्ड में जो बट प्लाटो पे आपने देखा होगा, एयरपोर्ट के पास में KD की बिल्डिंग है. हम सोच रहे थे एट प्रेजेंट, बिकॉज स्कीइंग का हमें मेन फोकस है विंटर्स में, और लिंकी पास रोप बहुत अच्छा है स्कीइंग के लिए, तो पहले हम सोच रहे थे उसको ठीक से डेवलप करके, रिपेयर मेंटेन करके, वो हैंड ओवर करें फुटहोल्ड एस्टेब्लिश करने के लिए, और इसके बाद जो लैंड अलॉटमेंट के बाद में बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वो अलग से चलता रहेगा. सर कल जो मॉक ड्रिल होने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, उस बारे में लोगों में थोड़ा सा खदशा है, वो ये है कि कल मतलब बड़े पैमाने पर जलजला अर्थक्वेक आ रहा है, तो इस पे आप थोड़ा सा मैं ये ठीक, आपने अच्छा सवाल पूछा, सही टाइम पे पूछा, बिकॉज कल हमें एक UT लेवल की मॉक एक्सरसाइज करनी है, और उसमें हमने एक टॉपिक जो अर्थक्वेक है, डिजास्टर है, उसके लिए रखा हुआ है. इसमें मैं सबको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोई अर्थक्वेक नहीं आता, बिकॉज अर्थक्वेक की कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होती, आपको ये पता है, सबको पता है. यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि जब भी अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है जो हमें पता नहीं है कि जलजला आ गया, बाकी सारी चीज़ें आ गई, तो उस टाइम पे अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कैसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और किस चीज़ की कमी हमारे पास में, सो दैट जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर या इवेंट होता है तो हमें उसमें फास्ट उसमें रिस्पॉन्ड कर सके, और जो भी है कैजुअल्टी और बाकी सारी चीज़ें बचा सके. तो ये पहले हम नीचे मार्केट में सोच रहे थे करने का, बट लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है उसमें, तो इसलिए हमने अपर प्लाटू पे रखा है, जो LKP प्लाटू है, लोअर खुरपतंग प्लाटू. तो काउंसिल सेक्रेटरी हो, हमारा नया हॉस्पिटल हो, काउंसिल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, उन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया. तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल देखने के लिए, और अलग अलग जैसे आर्मी हो, BRO हो, सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको अच्छे से इंश्योर करने के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको.